हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ये कटोरी जो है, कटोरी का पार्ट जो है वो कैसे बढ़ाते हैं, क्या हो जाता है। हम पूरा ब्लाउज सिलते हैं लेकिन कटोरी में ही प्रॉब्लम आ जाता है। हम पूरा जैसे आर्मोल का पता चल जाता है, शोल्डर का पता चल जाता है, लेकिन कटोरी जो होता है उसमें हमें पता नहीं चलता है कि उसको कैसे और कितना बढ़ाना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये कटोरी का जो पार्ट है वो निकाला है। जैसे यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, जैसे कटोरी के जो साइड का पार्ट होता है इसे हमें इस तरह से रख के यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना पड़ता है। यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है, पहले तो हमें ये गोलाई दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अभी 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का मार्किंग आता है और यहाँ पे हमें गले का जो राउंड शेप है वो हमने दिया है। अभी गले का राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे हमें सीधा इस तरह से लेना है। ये देखिए, सीधा इस तरह से लेना है। अभी इस तरह से सीधा लेने के बाद हमें ये पोर्शन जो है वो नापना है। ये देखिए, ये आता है हमारा 5 इंच। 5 इंच आता है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अभी 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद जैसे ये पोर्शन जो आता है उसका हाफ हमें लेना है, उसका सेंटर हमें निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारा ये सीधा 1.5 इंच आएगा। सीधा 1.5 इंच आने के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है जो हम टक्स पॉइंट के लिए लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच लिया है टक्स पॉइंट के लिए। अभी ये जो कटोरी का पार्ट आता है, अभी यहाँ पे हमारी ये 5 इंच है। कभी 5.5 इंच आती है, कभी एकदम छोटा ब्लाउज होगा तो 4.5 इंच आती है, या बड़ा ब्लाउज होगा जो 6 इंच आती है, 6.5 इंच आती है। जितना भी आपका ये पोर्शन आता है उसका आपको सेंटर निकालना है। दोनों साइड में हाफ हाफ आपको रखना है, उसका सेंटर आपको निकालना है। सेंटर निकालने से यहाँ पे आपको 1.5 इंच लेना है। यहाँ से 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच लेते हैं क्योंकि ये टक्स पॉइंट है हमारा। उसके बाद ये जो पोर्शन है हमारा उसका हाफ जो है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच हमें इसके आगे लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब जितना हमारा एक्स्ट्रा आता है, ये देखिए 2.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.5 इंच जो है ये पोर्शन और ये पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.5 इंच लिया है। ये हमारा टक्स पॉइंट के लिए है। अभी जितना हमारा टक्स पॉइंट आता है, 1.5 इंच का टक्स पॉइंट आता है और ये जो पोर्शन आता है हाफ, इसके आगे हमने लिया है 2.5 इंच और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए, इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है और यहाँ पे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी हमें हल्का सा जितना आपको एक्स्ट्रा चाहिए, सिलाई में जितना आपका जाता है उतना आपको एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको इस साइड में ज्वाइन किया है। ये हुक और आई की पट्टी है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कटोरी बढ़ाने का जो तरीका है ये इस तरह से है। अब देखिए, यहाँ पे आपको पोर्शन नापना है। ब्लाउज का जो पोर्शन होता है आपका कितना आता है, जो हुक और आई की पट्टी जो लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको नापना है जितना आता है। जैसे ब्लाउज के ऊपर आपको नापना है, जैसे 4 इंच आता है तो 4.5 इंच रखना है। ये पोर्शन हमारा ज़्यादा आएगा तो हमें हल्का सा कम भी कर सकते हैं। तो अभी ये तो हमारा ये परफेक्ट है, इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है इसको। ये जो कटोरी का पार्ट है ये हमने एकदम परफेक्ट बढ़ाया है। फिर से मैं एक बार समझाती हूँ, क्योंकि कटोरी का पार्ट जो है वो मेन पार्ट होता है, वो ठीक से आएगा तभी आपका ब्लाउज बैठेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जो कटोरी के साइड का जो पार्ट होता है वो रख के हम यहाँ पे एक राउंड शेप देते हैं। राउंड शेप देने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच लेते हैं।
यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई रहती है 2.5 इंच की, यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ से 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ पे हमने ये इस तरह से गले का राउंड शेप दिया है। अभी यहाँ पे हमने गले का राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे जैसे ये हमने कटोरी का पार्ट जो है वो निकाला है, यहाँ से हम सीधी लाइन दी है हमने, और यहाँ पे हमने एक 1.5 इंच की लाइन लगाई थी, उसके बाद इसको हमने ज्वाइन किया है। अब देखिए ये राउंड शेप हो गया, गले का आकार हो गया, और यहाँ पे हमने इस तरह से ये कटोरी का पार्ट निकाला है। उसके बाद ये जो कटोरी का पार्ट है हमारा, यहाँ पे आपको ये नापना है। नापने के बाद उसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने से यहाँ तक आपको पहले 1.5 इंच लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, नापना है, उसके बाद इसका सेंटर निकालना है। सेंटर से यहाँ तक आपको नापना है और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अभी यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्किंग लिया था, तो ये हम टक्स पॉइंट के लिए लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच लिया है, तो ये हमारा टक्स पॉइंट आएगा। और ये जो कटोरी का पार्ट है उसका हाफ हमें लेना है। जैसे 5 इंच है तो 2.5 इंच लेते हैं, इसके 1.5 इंच के आगे हमने 2.5 इंच लिया है और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। जितना इस साइड में आया है उतना ही हमने इस साइड में लिया है और यहाँ पर हमने कटोरी को ज्वाइंट किया है। तभी इस तरह से हमें बाहर के साइड से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था उसी के ऊपर हमें ये कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कटोरी का जो पार्ट है ये इस तरह से आएगा और यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट जो है वो 1.5 इंच पे लेते हैं। टक्स पॉइंट की चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच पे लेते हैं और इसकी लंबाई जो है वो 2.5 इंच पे लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये टक्स पॉइंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये कटोरी का पार्ट जो है वो कैसे बढ़ाना है ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।